छोटा सा गीत एक धुन बजी बहुत पुरानी, कौन सी? कोई कहता है क्या? और हमारे सभी विद्वान विराजमान है, कुछ भी अंजाम हो मुलाकात की इंतहा हो, हमारी नजर आशीर्वाद हमारी माता जी द्वारा 20 रुपए का आशीर्वाद, ये बहुमूल्य आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। हार्दिक हार्दिक बंधन है, अभिनंदन है। और ये हमारे पट्टू द्वारा बहुमूल्य आशीर्वाद है, ये तो बहुत बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है। क्यों तुम्हारी विराजमान है यहां। एक बार बता रहा हूं, आदिकाल से चल रही इस संसार की रीत तो श्रोता पत्ता से रही पिता पुत्र सी, पिता पुत्र सी प्रीत कैसी रही? क्या देखिए बंटू जी, भजन बिना भाव भजन भजन कोई भक्ति नहीं, भक्ति बिना कोई भक्ता नहीं, और बिना मन श्रवण भक्ता नहीं, वो भक्ता चल रहा है। क्यों बिना मन श्रवण कोई श्रोता नहीं, श्रोता बिना कोई वक्ता नहीं, श्रोता बिना कोई वक्ता नहीं, श्रोता बिना कोई वक्ता नहीं। अब मैं इसमें दिखा रहा हूं, एक है श्रोता भी एक है। अब हो क्या रहा है? क्या हिया के मल्क जी देखो कहते कथा है, Yeah!
ज्ञानी विराजमान है। आहो धन्य तब जन्म मुनीसा तुम्हें पान सम प्रिय गो, तो हुआ क्या क्या श्रवण छवि इष्ट की क्यों क्षण छवि इष्ट की खजती रही फिर भी क्षण कभी छकता नहीं। अब पहली लाइन कही, अब दूसरी सुनिए। श्री शंभु ने जब कथा है सुनाई श्रोता बनी वहा गोरा सिनाई। और ये एक से एक रुपए का आशीर्वाद श्री लाखन सिंह ग्राम फेमगढ़ी की तरफ से भरपूर आशीर्वाद हुआ है। हार्दिक हार्दिक बंधन है, अभिनंदन है। तो देखिए श्रोता बनी बात गौरासी माई, तो यहाँ है धन्य धन्य गिर राजकुमारी और तुम समान न कोई हो कारी। तब चित चित चरण हर में हरे के धरू हरि के सिवा कोई झपता नहीं। ना हरि के सिवा कोई झपता नहीं है। अब तीसरी लाइन सुने होता क्या है क्या जिस पर कृपा प्रयाप की होई उसे काल भी कभी तकता नहीं। यानी एक श्रोता एक वक्ता चलना नहीं, एक श्रोता एक वक्ता। अब ये अंतिम चौपाई क्या कह रही है ये सुने क्या जिस पर यहां भी श्रोता सरोता श्रोता सरोता पर श्रोता बताते अकेले ही श्रोता ही और अकेले सुना। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अकेले सुनाते अकेले ही कह रहे कथा को और अकेले ही सुनाते। हुआ क्या यहाँ पे दिया है कि निज कुल इष्ट देव भगवाना और पूजा हेत की सुनाना। क्यों तभी तो कहा है बिना भा भजन कोई भक्ता नहीं है। क्यों उसे काल भी देख सकता Thank you.
भक्ता नहीं, श्रोता वक्ता नहीं, प्रयास सुनेगा। सुनिए, निवेदन करियो राजू भैया, कहीं जवाब आप तक पहुंच जाए तो फिर ये ना कहना हम लोग घर लूटते हैं। सुनेगा, सुनिए, सुनिए। किसके बिना क्या नहीं है और किसके बिना क्या नहीं है, सुनेगा, सुनिए। अरे काशी में जाके बिके तीनों दानी, निवेदन करियो सुनेगा, सुनिए। काशी में जाके बिके तीनों दानी, राजा हरिश्चंद्र रोहित और तारा रानी, क्यों क्यों, क्योंकि बिना सत के रजबिया, बिना सत के धर्म पलता नहीं। राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य निष्ठा पर कायम रहे और अपनी सत्यता के लिए स्वयं को बेच दिया जाकर, बिना सत्य के, बिना सत्य के धर्म पलता नहीं, बिना धर्म के पुण्य मिलता नहीं। एक टुकड़ा और सुनेगा, जीवन में देखो आगे पीछे काल है। भैया भैया, हम लोग कहते कि हम बच गए, लेकिन नहीं नहीं, जीवन में हमारे आगे और पीछे काल ही काल है। जीवन पूरा काल से घिरा है, बीत गया भूतकाल, आगे खड़ा भविष्य काल, हम जी रहे हैं वो भी वर्तमान काल, तो हम तो काल में ही हैं। काल आता नहीं, लोग कहते आज नहीं कल करेंगे, तो मैं कहती हूँ काल आता नहीं और आज जाता नहीं। सुने, सुने। जीवन में देखो आगे पीछे काल है, काट ली सजल का बना प्रहता काल है। शांडिल ऋषि को श्राप दे दिया, भैया जी जाओ जाओ, प्रातः काल होते ही प्राण निकल जाएंगे, लेकिन लेकिन सती के सतित्व को देखिए, कहा अगर प्रातः काल मेरे पति के प्राण निकल जाएंगे तो हम प्रातः काल ही नहीं होने देंगे। सुनेगा, बिना सूर्य के, बिना सूर्य के, बिना सूर्य के दिन निकलता नहीं। हम दिन निकलने ही नहीं देंगे। देवता आ गए कि माते क्या कर रही हो, क्या कर रही हो माते, बिना सूर्य के दिन निकलता नहीं, बिना धर्म के पुण्य फलता नहीं। Oh,
ही जोड़ दे रही हूँ, राजा भैया सुनिए। बढ़ते बढ़ते देखो कितना बढ़े गया पैसा, स्वयं ईश्वर पे देखो चढ़े गया पैसा। फिर रहे हो, हम कहते माया के पीछे नहीं फिरे, लेकिन ये जीवन जीने के लिए तो चाहिए। सुबह जाएंगे पेट्रोल पंप पे डीजल गाड़ी में तभी भरेगा जब पैसा मिलेगा।